स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं मार्वल ग्रेनाइट रंगोली डिज़ाइन के बारे में कि रंगोली आप किस तरह से फिटिंग करना है आपको। तो रंगोली फिटिंग करने का पूरा A to Z प्रोसेस हम बताएंगे। तो रंगोली फिटिंग करने की आपको जहाँ भी रंगोली लगाना है उस जगह पे आपको, अगर रेडीमेड है तो उस जगह पे रख लेना है आपको, अगर आप खुद से बना रहे हैं तो उसको उसी जगह पे अच्छे से सजाना है। और सजाने के बाद आप देख रहे किस तरह से हम पूरे अच्छे से सजा रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कटिंग में मिस्टेक है तो उसको घस के मेकअप करके अच्छे से सजा लें। और सजाने के बाद आपको उस जगह को अच्छे से पेंसिल से मार्किंग करना है, पेंसिल या कुछ भी आपको जिससे मार्किंग करते हैं आप मार्किंग करना, जैसे आप देख रहे हैं हम मार्किंग कर रहे हैं इसी तरह से आपको मार्किंग करना है। और मार्किंग करने के बाद इसको वहाँ से हटा लेना है कटिंग करने के लिए। तो देखते जाइए पूरा A to Z प्रोसेस हम बता रहे हैं। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद जब हम कटिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो मार्किंग किए हैं उसका हाफ सूता अंदर ही अंदर कटिंग करना है, पूरा मार्किंग को नहीं कटिंग करना है, नहीं तो जब रंगोली आप फिटिंग कीजिएगा तो उस जगह पे गैपिंग हो जाएगा। तो आपको अंदर ही अंदर फिटिंग कटिंग करना है। अगर स्क्वायर जैसे है तो मेरा राउंड में स्क्वायर है तो हम हाफ सूता अंदर ही अंदर कटिंग करेंगे। अगर पूरा राउंड रंगोली है तो आपको दो सूता अंदर ही अंदर कटिंग करना है, ठीक है। एक चीज़ ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा जॉइंट गैपिंग हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो कटिंग करने के बाद उस जगह का मार्बल तोड़ के निकाल लेना है और उसके बाद अच्छे से वहाँ पे मसाला वगैरह निकाल के क्लीन कर देना है। और फिर से उसमें हम मसाला बिछाएंगे। तो मसाला बिछाने के बाद फिर उसी जगह में आपको जो आपने रंगोली लगाना है फिर उसको सजा के कंप्लीट देखना है किस तरह से उसका क्या है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो उसको घस के मेकअप कर लीजिएगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहे।
आप देख सकते हैं किस तरह से हमने फिर उसी जगह पे रंगोली को सजाया, और थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसको जो है हम घस के मेकअप करेंगे। तो देख सकते हैं आप पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम फिटिंग करेंगे। तो आपने जिस तरह से सजाया है उसी तरह से ठीक उसको उठा के साइड में रखना है और फिर उसको फिटिंग करना है जैसे आपने सजाया है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहें। ये रंगोली कटिंग हमने किस तरह से किया है, अगर उसको वीडियो देखना है तो वीडियो को एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो को एंड में आपको स्क्रीन पे शो करेगा, उस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने पूरा उसमें प्रोसेस बताया इस डिज़ाइन के बारे में, किस तरह से कटिंग करना है फर्मा के बारे में। तो फ्रेंड, जिस तरह से हमने सजा के उसको फिटिंग करने के लिए उठाया था, फिर उसी तरह से हमको अच्छे से बैठा लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं, और फिर उसको किस तरह से ठोकना है वो देख लीजिए। किस तरह से आपको फिटिंग करना है एक मार्बल का टुकड़ा लेके, क्योंकि एक एक करके ठोकिएगा बैठाइएगा तो उसको कोई अंदर चला जाएगा कोई बाहर निकल जाएगा। तो किस तरह से इसको फिटिंग करने का प्रोसेस है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए फिटिंग किस तरह से किया जाता है, देखिए इस तरह से एक मार्बल का टुकड़ा लेके आपको इसको अच्छे से पूरा लेवल करके बैठा देना है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।